दोस्तों ये ज़बरदस्त डिज़ाइन मैंने आज बनाया है और ये कैसे बनाना है आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप फर्नीचर का काम करते हैं तो फर्नीचर पे भी आप बना सकते हैं, तो फर्नीचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और आप पेंटर हैं, घर का पेंट करते हैं, तो पेंटर भाई इसको कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्लाई का बेस हम बनाएंगे। दोस्तों आप पेंटर भाई हैं तो आप पेंट से जो है दीवार पर बेस बना लें, और हम फर्नीचर वाले जो भी हैं तो वो फर्नीचर पे जिस पे पलंग पे हो या सोफा पे, जहाँ भी आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसका बेस बना लें। तो बेस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको साइड में रखता हूँ। मैं एक ले लिया हूँ डिब्बा और सामान सब अरेंज कर लिया हूँ। ये फेविकोल, और फेविकोल को लगभग हम आधा किलो ले लेते हैं। ये लूज वाला फेविकोल है, ओरिजिनल नहीं है, अस्तर इसी से बनाया जाता है। तो ये आधा किलो से कम है, थोड़ा ये फेविकोल हो गया। और इसके बाद इसमें हम ये डाल देते हैं पीली मिट्टी, ये जो है पीली मिट्टी, पीला पाउडर, इसको हम डाल देंगे लगभग आधा किलो, ये भी डाल देंगे। ये हो गया, और उसके बाद आधा लीटर पौना लीटर लगभग इसमें पानी मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसको जो है बढ़िया से घोल बना लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा अब जो है ये घोल बन के तैयार हो गया, और इसको हम अप्लाई कर देंगे पूरे प्लाई पे। तो ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया, और इस प्लाई पे जो है ये हमारा 4 इंच का ब्रश, इससे हम जो है इसको बढ़िया से एक कोट लगा देंगे। अब दोस्तों ये मैंने अस्तर लगा दिया, और इसको मैं रख देता हूँ धूप में, सूखता रहेगा, तब तक मैं कर लेता हूँ दूसरा काम। तो दोस्तों जब तक अस्तर सूख रहा है मैं एक ले लिया हूँ बिनियर, इसको मैं कटिंग करूँगा। आपके पास अगर बिनियर नहीं है तो आप गत्ता ले सकते हैं, या फिर कोई भी कागज़ मोटा हो वो ले सकते हैं और काट सकते हैं। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। कैसे काटना है, हमारा जो है डिजाइन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको जो है 8 इंच का काट लूँगा। 8 इंच जो है लंबा और 8 इंच चौड़ा होना चाहिए। 8 इंच पे मैं मार्क कर लेता हूँ। अगर जगह छोटा है तो आप 4 इंच का भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारा प्लाई बड़ा है तो इस पर हम 8 इंच का कर लेंगे, और दीवार के लिए भी 8 इंच का ही चाहिए। तो चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। और जो है इसको काट के हम हटा देते हैं। तो ये पार्ट चाहिए मुझे, और ये काट के निकाल देना है। ये हमारे पास आ रही, इसको मैं काटता हूँ। ये दोस्तों हमारा एक पीस रेडी हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि कोना जो है इसको 4 सेंटीमीटर कोने को भी काटना है। तो 4-4 सेंटीमीटर पे हम मार्क कर लेते हैं। और आपका क्या करना है कि अगर जो आपका 4 इंच है तो आप 2 सेंटीमीटर करेंगे। ये जो है मैं अब जो है मार्क कर दिया हूँ, इसमें से इन पार्ट को हम काट के जो है बाहर कर देंगे, बचेगा हमारे पास ये। तो ये दोस्तों हमारा डिजाइन डालने के लिए अब हो गया बिल्कुल रेडी। तो ये काटने के टाइम में जो है अस्तर भी हमारा सूख गया। इसको क्या करेंगे, पीला पेपर 100 नंबर से थोड़ा सा हम रफ मार लेंगे, और इस पे दोस्तों हम अब डिजाइन डाल सकते हैं। लेकिन इससे और बेहतर आए, फिनिशिंग अच्छा है, इसके लिए क्या करेंगे, इस पे हम एक कोट सीलर भी मार देंगे। सीलर मार देंगे तो इसका सतह थोड़ा चिकना हो जाएगा। ये मैंने सीलर और थिनर मिक्स कर लिया है एक डिब्बे में, इसको जो है एक कोट में इस पे अप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों ये 2 कोट हमने सीलर अप्लाई कर दिया है, और ये सूख जाएगा
फिर इस पे हम अगला कार्यक्रम करते हैं। सूखने के लिए 15 मिनट छोड़ देते हैं हम इसको। तो ये सूख गया दोस्तों, 15 मिनट मैंने छोड़ दिया था। और छोटा वाला स्प्रे गन ले लिया हूँ, इसके अंदर ब्लैक कलर डी को घोल बना के डाल दिया हूँ। इसके पहले मैं क्या करता हूँ, इस पे थोड़ा सा रफ लगा लूँगा। रफ लगाने के बाद जो है डिजाइन डालना हम शुरू करते हैं। तो ये है, इसको क्या करेंगे, किसी एक कॉर्नर में रख देंगे मिला करके दोनों तरफ से, किसका टक्कर उसका टक्कर मिल जाए। आप ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे रख करके अब इसके किनारे किनारे जो है हम डी को मार देंगे। ये हो गया, और इसी से मिला करके यहाँ पे फिर ऐसे डाल देंगे। तो ये दोस्तों डिजाइन हमारा तैयार हो गया। अब अगला कार्यक्रम करने के लिए मैं लिया हूँ डब्बा। डब्बे में लगभग 200 ग्राम में डाल दूंगा पानी। लेकिन आप दीवार पे करना है तो क्या करना है अभी मैं बताता हूँ। मैं ले लिया हूँ पानी, और पानी में लगभग 100 ग्राम डाल दूंगा ब्राउन पाउडर। इसको जो है बढ़िया से पानी में घोल देंगे। ये जो है हमारा तैयार हो गया। तो आप पॉलिश का काम करते हैं तो इस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पेंट कर रहे हैं दीवार पे कर रहे हैं तो आपको ये पानी में नहीं बनाना है, आपको एनामल पेंट में बनाना है। और उस एनामल पेंट को तारपीन के तेल से पतला करना है। और पेंट कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा, जो सूट करता है जो अच्छा लगता है वो ले लीजिएगा। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, एक धोती ले लिया हूँ, एनामल पेंट भी अप्लाई करेंगे। और ये सेम एक ही तरीका है अप्लाई करने का, इसको ऐसे ले लेंगे और पूरा जो है इस पे हम अप्लाई कर देंगे। ये दोस्तों हमारा पूरा लग गया, एक बराबर से लगा देना है। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कहीं पे कम भी नहीं होना चाहिए, इसी हिसाब से लेवल में होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे पॉलोथीन, और पॉलोथीन को बस ऐसे ही ले लेना है, और ले करके आपको ऐसे पूरा एक बराबर घुमा देना है। तो ये दोस्तों हो गया तैयार। अभी तैयार नहीं है, और भी आगे का प्रोसेस है। अब जो है ये अगर पानी का बनाया है तो पानी के बनाने के बाद अब इसको सूखने का इंतजार करेंगे, और सूखने के बाद इसके ऊपर पॉलिश टीटी या सीलर हमें एक कोट गन से डालना पड़ेगा। लेकिन आप दीवार पे बना रहे हैं, एनामल पेंट है, तो इस पर अब कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम सूखने देते हैं और इस पर मार देते हैं एक कोट टीटी या फिर लेकर। तो अब मैं इस पर स्प्रे कर लेता हूँ हल्का हल्का सा, ये पक्का हो जाएगा। देखिए ये तैयार हो गया, अब इसको भी हम सूखने देंगे कम से कम आधा घंटा। तो ये दोस्तों डिजाइन हमारा जबरदस्त एकदम हो गया तैयार। देखिए कितना साइन है जबरदस्त। तो आप फर्नीचर में चाहें तो फर्नीचर में, या फिर आप पेंटर हैं तो आप दीवार में भी ये डिजाइन बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि फर्नीचर में बनाना है तो ये मैंने 8 इंच बनाया है, 8 इंच के बजाय आपको 4 इंच मार्क करना है। तो चलिए, अगर ऐसा ही वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसे ही बेहतरीन डिजाइन लेकर के इस चैनल पे आता रहूँगा, अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।